वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न के रोल्स। तो इसके लिए हमने ये दो छोटे भुट्टे हैं, देसी वाले या फिर एक अमेरिकन भुट्टा भी ले सकते हैं आप, इतना हमने चाहिए घिसा हुआ। आधा कटोरी शुगर पाउडर है, दो छोटे चम्मच घी है, काजू गार्निशिंग के लिए है, 5-6 बादाम कटे हुए हैं, 10-12 किशमिश है। ये काजू का पाउडर है जिसमें ग्रीन फूड कलर और शक्कर का बूरा मिला दिया है। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है और इसकी आंच तेज कर दी है। अब इसमें हम ये भुट्टा जो कसा हुआ था हमने, ये भी ऐड कर देंगे। शुरू में आंच थोड़ी तेज रखेंगे, फिर धीमी करके इसको तब तक भूनेंगे कि जब तक ये खिले हुए दाने में ना बन जाए। इसको भूनते हुए थोड़ा टाइम हो गया है, ये हल्का हल्का भुनने लगा है, लेकिन इसे अभी हम बिल्कुल बिखरने तक भूनना है। अब ये बिल्कुल भुन चुका है, एक एक दाना बिखर गया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम प्लेट में निकाल के ठंडा होने देंगे। दाने अब ठंडे हो गए हैं, इस टाइम पर हम इसमें शक्कर का पूरा ऐड कर देंगे, बादाम और किशमिश भी ऐड कर देंगे और इन्हें हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं, अब इसका हम रोल बनाएंगे। थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेकर इसे रोल करते जाएंगे। ये रोल बन चुका है, इसी तरह हम इस मटेरियल में से सारे रोल बनाकर रखते हैं। बने हुए रोल को हम, ये काजू का पाउडर है, इसके ऊपर रोल कर देंगे, हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, फिर इसके ऊपर एक कटा हुआ जो काजू का पीस है इसे ऐड कर देंगे। सारे रोल ऐसे ही तैयार कर लेंगे। स्वीट कॉर्न रोल्स बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। थैंक यू।